सभी तंबाकू पीने वाले जो तंबाकू ज्यादा पीते हैं उनमें कभी कैंसर होता ही नहीं, बीड़ी नहीं पीते उनके भी होते हैं। ये कोई तंबाकू और बीड़ी से जुड़ा हुआ कैंसर का वो नहीं है, इसी के भी हो सकता है कैंसर। ज्ञानी लोग कहते हैं कि बोलने से पहले चार बार सोचो फिर बोलो, लेकिन हमारे यहाँ के नेता बोलने से पहले सोचना, चार बार सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो बोलने के बाद भी एक बार भी नहीं सोचते। अब किस नेता ने क्या बोला है और क्या सोच के नहीं बोला है या क्या सोच के बोला है, ये बताने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे लगे बेल आइकन को दबाइए। काफ़ी लोग हमारा चैनल देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके जाइए हुजूर। तो चलिए बात करते हैं कुछ ज्ञानी नेताओं की जो बोलने के पहले नहीं सोचते हैं, इसलिए वो अपनी मन की बात जनता के ऊपर थोप जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा की। उनका ये कहना है कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता। सभी तंबाकू पीने वाले जो तंबाकू ज्यादा पीते हैं उनमें कभी कैंसर होता ही नहीं, बीड़ी नहीं पीते उनके भी होते हैं। ये कोई तंबाकू और बीड़ी से जुड़ा हुआ कैंसर का वो नहीं है, इसी के भी हो सकता है कैंसर। मतलब इन्होंने तो तंबाकू और कैंसर दोनों के मायने ही बदल दिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विश्व कैंसर दिवस पर एक्सपर्ट की थ्योरी को झुठलाने वाला ये बयान दिया है। मीणा ने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए ये कहा कि तंबाकू पीने से कैंसर नहीं होता। विश्व कैंसर दिवस पर हुई सेमिनार के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जो तंबाकू ज्यादा पीते हैं उन्हें कैंसर होता ही नहीं है। कई तंबाकू पीने वाले हैं, 60 से ज्यादा उम्र वाले तंबाकू पीते हैं, उन्हें कभी नहीं होता। मीणा ने कहा कि मैं गांव में रहता हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 20 बार तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्हें कैंसर नहीं होता। जो नहीं पीते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। शहरों में कौन तंबाकू पीता है उन्हें भी कैंसर हो जाता है, जो बीड़ी नहीं पीते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। ये तंबाकू और बीड़ी कैंसर का कारण नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है कैंसर, खान पान रहन सहन से भी कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये ज्ञान दिया तो कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसका खुलकर खंडन किया है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने कहा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगह हुए रिसर्च से ये सिद्ध हो चुका है। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के केस तंबाकू के सेवन करने वालों के ही आते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाइए और उसको सही कीजिए, उसके बाद में फिर जनता तक पहुंचाइए। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।